क्या आप भी खरीद सकते हैं चांद पर जमीन? चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर लैंड कर ली है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि चांद पर जिन लोगों ने जमीन खरीदी है वो उन्हें कब और कैसे मिलेगी, या फिर जो खरीदना चाहते हैं वो कैसे खरीदेंगे, और चांद की जमीन पर किसका कितना हक है। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो अगर आपने चांद पर जमीन खरीदा है या फिर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल जब से चंद्रयान 3 चांद पर कदम रखा है तब से लूनर सरफेस पर जमीन खरीदने की चर्चा तेज हो गई है। वैसे तो चांद पर जमीन प्लॉट खरीदने के दावे काफी समय से हो रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर आम आदमी ने यहाँ जमीन लेने का दावे किए हैं, और लोगों का मानना ये भी है कि वो बहुत ही कम कीमत पर चांद पर जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या चांद पर जमीन खरीदी जा सकती है? इस बारे में डिफेंस एंड एरोस्पेस एक्सपर्ट का राय बिल्कुल अलग है। उनका कहना है चंद्रमा समेत आउटर स्पेस पर किसी का कोई अधिकार नहीं। 1967 में लागू हुई संधि में साफ साफ उल्लेख किया गया है किसी की निजी संपत्ति नहीं है यहाँ पर। चंद्रमा पर जमीन खरीदना संभव नहीं है। जब वहाँ पर कोई मालिक ही नहीं है तो जमीन कैसे बेची जा सकती है? 10 अक्टूबर 1967 को लागू हुई आउटर स्पेस ट्रीटी के अनुसार चंद्रमा किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इसको कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत से लेकर शाहरुख खान और कई आम आदमियों ने चांद पर जमीन खरीदने के दावे किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने चंद्रमा के जिस क्षेत्र को खरीदा था उसे मास्कोवी का सागर कहा जाता है। दावे के मुताबिक चंद्रमा पर एक एकड़ जमीन की कीमत लगभग 2.5 अमेरिकी डॉलर है, जो लगभग 34,030 रुपए है। सो पूरा कंक्लूजन ये निकलता है, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ पे जमीन बिकना, जमीन खरीदना पॉसिबल नहीं है, और वहीं कुछ सुपरस्टार्स ने, कुछ लोगों ने जमीन खरीदने का दावा भी किया है। तो अभी भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जमीन खरीदना लीगल है या इलीगल है। ये कुछ फैक्ट्स है जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आपकी क्या इस पे राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।